हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय मोटो व्लॉग। और आज मैं मोटो व्लॉग शूट कर रहा हूँ काफ़ी टाइम के बाद। ऐसा लगाया हुआ है फिर भी कुछ ना कुछ घुस जा रहा है आँख में। ओ भाई, कितना पास से लेके जा रहा है। ये भी गलत टाइम पे इंडिकेटर देता है। सो, अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। मम्मी का कुछ दवाई भी लेना है तो सोचा कि एक ही साथ दोनों काम हो जाएगा, मतलब तीनों काम हो जाएगा। सलोनी को भी दिखाना, मम्मी का दवाई और ब्लॉक। ओहो, पूरा कुदा के लेके जा रहा है बाइक को। क्या भाई, तेल ख़त्म हो गया लग रहा है बाइक का। अपाचे ही थी वो भी। सो अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ बीच में बहुत बड़ा ट्रैफिक आने वाला है। यहाँ पर भी दिख ही रहा होगा आपको को, थोड़ा मोड़ा ट्रैफिक हो ही जाता है। मेन ट्रैफिक में चलाने का भी मन नहीं करता, इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है। मूड ख़राब। ये देखिए, ओहो अंकल जी, देख के ये ट्रिपल लोडिंग है, हेलमेट हाथ में पकड़ के रखा है। अच्छा, यहाँ जाना था इसलिए तो बच गया, नहीं तो थोड़ा और आगे निकलता ना, चल जाता बेटा सब। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ कार से अगर इस रोड में आ गया तो बहुत देर तक फंसा रहूँगा यहाँ पर। मैं बाइक से हूँ तो निकल जा रहा हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। ऑटो वाले भी ना एकदम जहाँ तहाँ मोड़ देते हैं यार। और देख के यहाँ से अचानक से गाड़ियाँ पार होती है, सड़ासड़ देख के पार करना पड़ता है। गाड़ी में ही कुल्ला कर रहे हैं, यहीं पे सबसे ज़्यादा जाम लगता है आगे में। देखते हैं लगा है कि नहीं। भैया स्कॉर्पियो वाले भी ना, आगे खाली है फिर भी आराम धीरे धीरे, पता नहीं क्यों ब्रेक लेते हैं। और देखिए जाम लगा हुआ है, दिख रहा है। अब तो पास में जाके ही पता चलेगा कि जाम लगा है कि नहीं लगा है। अरे वाह, खाली खाली है। ओ माय गॉड, यहाँ पर खाली होना मतलब काफ़ी बड़ी बात है। नहीं तो जाम तो यहाँ खचाखच जाम लगा रहता है। मे भी शायद लॉकडाउन की वजह से किया हो। यहाँ पर पुल बन रहा था जो अभी काम रुका हुआ है इसका, पता नहीं किस लिए है। वैसे हम लोग को इधर जाना है लेफ्ट साइड में, तो हम लोग को रुकना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट निकल जाएंगे। भाई पुलिस वाले के बगल से गया, हालत ख़राब हो गया था। भाई देख रहा था यार, एक का है। सब भाई देख के ऑटो वाले से बहुत ज़्यादा डर लगता है भाई। कभी मोड़ देता, बहुत एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर ऑटो वाले की वजह से। एक पैर सीधा है क्यों? राइडर साहब, भैया देख के धीरे धीरे चलाते हैं और हाथ दे देते हैं एकदम। हाँ
रोड के बीच में इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर। ये बस वाला धीरे क्यों चला रहा है इतना, पूरा आगे खा लिया फिर भी। मेरे को कार में से खटर खटर आवाज़ आ रही है क्या, खटर 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 खटर। अरे भाई देख के बस वाले को मोड़ना है, इंडिकेटर नहीं देगा जो भी करना है इसको। हल्का सा झलक देखता है और घुसा देता है बस। सो गाइस अभी हम लोग पहुंचने वाले ओवर ब्रिज के पास, अभी इसे क्रॉस करेंगे। काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखता है यहाँ से। काफ़ी बड़ा ओवर ब्रिज है। सो ये रहा ओवर ब्रिज, हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ से नज़ारा आपको दिखाऊंगा। ये देखिए नदी बहते हुए यहाँ पर, भले नदी दिख नहीं रही है क्योंकि पत्थर ज़्यादा दिख रहा है इसलिए नदी नहीं दिख रही। अंदर अंदर पार होती होगी शायद, पास में जाके देखा नहीं है मैंने। कितना सही नज़ारा है यहाँ से भी, काफ़ी ऊपर पहुँचा देता है। यहाँ पर भी स्टॉपेज बना हुआ है इस ओवर ब्रिज पर भी। यहाँ पर वैसे जाम नहीं लगता है ज़्यादा। सो व्यूअर्स अभी हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, सलोनी को दिखा दिया, मतलब अभी डॉक्टर थे ही नहीं सो नहीं दिखा पाए, अब दूसरी बार फिर जाना पड़ जाएगा। अभी हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, काफ़ी ट्रैफिक है यार यहाँ पर। सो देखते हैं कब तक खुलता है। इंडिकेटर दे दिया है और हम लोग को इधर इस तरफ जाना है, लेकिन कब जाना है पता नहीं। ग्रीन लाइट भी नहीं हो रही है, रेड में अटका हुआ है। सबकी गाड़ी ऑन है, फट 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 सब ऑन है। बस निकलने का दिया सिग्नल, सब भागेगा सर हरा के। अब इधर वाला निकल रहा है, लेकिन इधर वाला कब निकलेगा यार। बहुत चीटिंग करता है तो उधर से वो लोग निकल गया, सब निकल गया, हम ही लोग अभी तक अटके हुए हैं। अब हो जाए चालू, डायरेक्ट रेड के बाद ग्रीन दबा दो, क्योंकि इंडिया में येलो का कोई महत्व नहीं। देखा ग्रीन जल गया। ओ भाई ये पार होने दो यार इनको, बहुत बुरा लगता है यार ये ऐसा ऐसा देखता हूँ तो। पूरा रोड यहाँ का ये वाला हिस्सा ख़राब है, इधर बना रहा है कि क्या कर रहा है पता नहीं, बना ही नहीं अभी तक। मैंने ओवर ब्रिज यहाँ पर भी बनाया था ताकि ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, लेकिन होना क्या, ये बंद ही हो गया, पता नहीं अभी कब बनेगा ये। सो आज तो काफ़ी ज़्यादा साफ लग रहा है सब कुछ रोड, क्योंकि ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चल रही रोड पे। हाँ नहीं मैं पापड़ी चाट खा लूँगा, चाट या पापड़ी कुछ। कितना गोलगप्पा खाएगी पता नहीं। ठीक है तीखा है, नीचे कर मास्क, उसको मत खा जाना मास्क को। मैं कैसे खाऊं ना,
खोलना पड़ेगा पूरा माँ। ये क्या लेके जा रहा है? कुर्सी है कि टेबल है? बताना तू। लकड़ी नहीं है, कुछ बना हुआ है, क्या है वो बता। कंफर्म? चल देखते हैं। झूले वाला कुर्सी है ना? हाँ, ऐसे ऐसे झूलते रहो। तू तो बोल रही थी लकड़ी है, ये देख रही है, ये कितना मजबूत खिलौना, पूरा एकदम रख दिया ईंटा पत्थर इसके ऊपर।